झारखंड में कोहराम मचा हुआ है। पहले ही झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने नाम पर खदान लीज मामले लेने के अयोग्यता की संभावित कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग का नोटिस मिलने से माहौल गर्म है। और जैसा कि आप मेरे पीछे ये जो प्राइवेट पल्स हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये राजधानी रांची का प्राइवेट हॉस्पिटल है, पल्स हॉस्पिटल है। आपको मेरे पीछे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ दिख रहा होगा पल्स डायग्नोस्टिक, और ये कहीं का नहीं, ये राजधानी रांची का हॉस्पिटल है। यहाँ पर कल मामला सामने आया है, उनको कोई बोलता है 19 करोड़, कोई बोलता है 35 करोड़, और ये मामला सामने आया है। और यहाँ पर कल बहुत ही ज़्यादा कोहराम मचा हुआ था, और जैसा कि अभी हम इस हॉस्पिटल में गए तो हमें रोक दिया गया, सिक्योरिटी गार्ड ने रोका और कहा कि मीडिया को अंदर जाना अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है, जब वो सही थी, जब ये हॉस्पिटल सही है, यहाँ पर सही इलाज चल रहा है, तो क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। वो भ्रष्टाचारी थी, पर ये हॉस्पिटल तो सही है ना, यहाँ इलाज तो सही चल रहा है ना। शायद ये सिक्योरिटी गार्ड को तैनात कर दिया गया है कि मीडिया को अंदर नहीं जाने देना है, और यहाँ पर लोगों को डर है कि अगर मीडिया अंदर जाएगी तो यहाँ की सच्चाई जो है वो आप सबके सामने आएगी, सभी जनता के सामने आएगी कि ये हॉस्पिटल में चल क्या रहा है, यहाँ के लोगों के साथ क्या चल रहा है, और यहाँ के लोगों को कैसे बुड़बक बनाया जा रहा है, पैसा लूटा जा रहा है, और यहाँ पर इलाज क्या हो रहा है ये तो पता नहीं। किसी को डेड बॉडी नहीं दिया जाता है, पैसे देंगे तब डेड बॉडी मिलेगी, ऐसी ऐसी हरकतें होती है। अभी हम आम जनता से मिलते हैं और उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस जो ये ऐसा मामला चल रहा है, इस मामले को लेकर। तो जैसा कि अभी हमने काफ़ी लोगों से और जो मरीज के परिजन हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, उन हमारे साथ वो मौजूद थे पर वो कैमरा में आना नहीं चाहते हैं, वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। और इसके पीछे का ये कारण है कि उनका कहना है कि अगर वो जो मरीज़ के जो परिजन हैं वो अगर कैमरा में आते हैं, वो अगर कुछ बोलते हैं तो शायद उनके मरीज को नुकसान पहुँच सकता है, या फिर उनका इलाज नहीं होगा, उन्हें यहाँ से तुरंत निकाल दिया जा सकता है। ऐसा मरीज के परिजन को डर है और वो अपने घर के बच्चे को या फिर उनके घर के जो भी है वो उन्हें बचाने के चलते कैमरा में नहीं आना चाहते, कुछ बोलना नहीं चाहते, उनके मन में डर है। और ये जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है उनमें क्या है कि वो यहाँ पर मीडिया को घुसने नहीं देना चाहते, उनको तैनात कर दिया गया है। काफ़ी गेट बंद है, जैसा कि आपने विजुअल पे देखा ही, गेट बंद कर दिया गया है, सिक्योरिटी गार्ड हमें निकाल रहे हैं कि आपको नहीं घुसने दिया जाएगा यहाँ पे, ऐसा कह करके मीडिया नहीं अंदर आ सकती है। आज से मीडिया को एंट्री करना बंद हो चुका है। और आगे देखते हैं कि इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, आगे क्या कदम उठाई जाती है, ये देखने वाली बात है। आप जुड़े रहे हमारे साथ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।